अब तक आप लोगों ने रजनीकांत और कमल हसन को सिर्फ फिल्मों में लड़ते देखा होगा, अब आप इन दोनों दिग्गजों को वास्तविकता में लड़ते देखेंगे। मगर ये लड़ाई मारपीट वाली नहीं होगी, बल्कि ये दोनों दिग्गज राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे। कुछ दिनों पहले ही रजनीकांत ने राजनीति में आने की घोषणा की थी। अब उनके बाद एक और सुपरस्टार कमल हसन ने भी 21 फरवरी को तमिलनाडु स्थित अपने गृह नगर रामनाथपुरम में राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने की बात कही है। कमल हसन इसी दिन राजव्यापी यात्रा पर निकलेंगे। राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे कमल हसन की राजव्यापी यात्रा कई चरणों में होगी। वह अपने गृह जनपद से शुरुआत करते हुए मदुरई, दिंडीगुली और शिवगंगई जाएंगे। कमल हसन ने इस यात्रा को लोगों की जरूरतों और परेशानियों को समझने के लिए उनका प्रयास बताया है। इससे पहले भी राजनीति में एंट्री की बात करते हुए कमल हसन ने एक तमिल मैगजीन के साप्ताहिक कॉलम में लिखा था, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं मैं उनके पैसे वापस लौटा रहा हूँ। पार्टी बनने और उसके नामकरण से पहले ही मैं फंड ले लूँ तो ये गैरकानूनी होगा। उनका कहना था कि पहले पार्टी बनेगी, उसका नाम रखा जाएगा, उसके बाद ही फंड लिया जाएगा।